हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी सिम्बा को ऊपर ले भागो मारने लेके आया हूँ। तो सुबह 6 बजे से अलार्म लगाना शुरू किया था। तो ये देखो क्या कर रहा है, ये ऐसे खींचता ही रहता है। और तो मैं कह रहा सुबह 6 बजे अलार्म लगाया था, तो उठा जाके 6:30 ही, और जब ये मन नहीं था लेकिन दोस्त से उठना पड़ा है, क्योंकि फिर ये घर में गंदा करता तो बाहर ही करना, आदत पड़ गई तो आदत सही रहे। तो अभी इसको पूरी अंदर तक घुमाने लेके नहीं जा रहा, मतलब आधी गली घुमाता हूँ, क्योंकि पहले एक बार आधी गली की आदत पड़ जाए फिर पूरी गली घुमाऊंगा। ये देखो गली का कुत्ता दिख गया इसको, ये सिमनो आजा आजा। देखो डर पूरा है लेकिन एक्टिंग पूरी कर रहा है कि इसके पास आ रहा है बार बार। A few moments later. तो सिम्बा को तो घुमा दिया, मैं खुद आया हूँ ऊपर घूमने, क्योंकि आज कुत्ते बहुत आ गए थे नीचे, तो लड़ाई वड़ाई हो रही थी। मतलब लड़ाई समझ गए होंगे कैसे कह रहा हूँ। तो गली कुत्ते क्या है, बीमारी बीमारी होती है तो बिल्कुल पास आ जाते हैं इसके लड़ाई में, मतलब भौंकने में। तो दिक्कत इसको एक बार पावो वायरस हो चुका है, तो इसलिए एक बार अब फिर से वो गलती नहीं करनी। तो इसलिए इसको इसका काम वाम हो गया पूरा, तो 2-3 चक्कर ज़्यादा लगवा के इसको घर में ले आया। अब मैं ऊपर, अब 6:30 बज रहे हैं, तो अब मैं ऊपर आ गया, मैं खुद घूमूंगा उसको घुमा कर। तो अभी मौसम बढ़िया हो गया है, तो अभी मतलब सुबह के टाइम थोड़ा हल्का हल्का गर्मी गर्मी जैसा जैसे मौसम होता है गर्मियों में, वैसा होना शुरू हो गया है। तो वहाँ से इस यहाँ से सनराइज़ होता है, यहाँ इस बिल्कुल यहाँ से होता है सीधा, ऐसे एक ही पोजीशन है बस यहीं से होगा। थोड़ी देर में जैसे 15-20 मिनट बाद हो जाएगा, सूरज भी उग जाएगा। तो अभी 5-10 मिनट में थोड़ा सा अपने आप घूम लेता हूँ, एक्सरसाइज कर लेता हूँ हल्की सी। हो गई है थोड़ी सी एक्सरसाइज जो करी मैंने, बस इससे ज़्यादा भी एकदम से करूँगा तो हाथ पैर में दर्द हो जाएगा। तो अभी हल्की हल्की धूप भी आनी शुरू हो गई है, और दिखाऊँगा अब जैसे गर्मी आती जा रही है। तो अब जैसे 6 बजे घुमाता हूँ तो उस टाइम कोई नहीं होता, सर्दी का टाइम बता रहा हूँ, लेकिन अब जब एक दो तीन हफ्ते बाद और 6 बजे से देखना लोग बहुत घूमने शुरू जाएंगे, तो वो गर्मी में दिक्कत आएगी अब। और देखो पार्क में लोग घूमने आ गए, शुरू हो गए, अभी उधर की तरफ चले गए हैं। तो कल मैं सोच रहा हूँ कल पार्क में लेके जाऊँ सिम्बा को, इस वाले पार्क में। तो लेकिन सुबह के टाइम वो गार्डनर रहता है तो उसके सामने ही वो गंदा करेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो देखो ये आ गए, दिख रहे हो कहीं वहाँ दूर, ये रहा। और अब इसको गाड़ी में ले जाना भी शुरू कर दिया है, तो एक बार गाड़ी में ले जाके दिखाऊंगा आपको। लेकिन अभी ढंग से बैठता नहीं है, चढ़ तो जाता है। अब 2 बार से लेके जा रहा हूँ, मैंने शूट नहीं किया था, तो अब चढ़ना सीख गया, अपने आप चढ़ जाता है, तो वो दिखाऊंगा। तो बस अब मैं नीचे जा रहा हूँ, तो बस ऊपर जा रहा हूँ। बादल 12:30 करीब हो रहे हैं, तो ऊपर सिम्बा को छोड़ रखा था क्योंकि आंटी वाले आ रही हैं। तो एक बार देखने आ रहा हूँ कि इसने खाना खा लिया था नहीं खाया था। तो इसको देख रहा हूँ कहाँ पे, मुझे तो दिख ही नहीं रहे, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, और खाना भी इसने छोड़ रखा है। तो ये पता नहीं कहाँ चला गया, एक तो ऊपर भी नहीं आता, पता नहीं ऊपर आने में क्या दिक्कत हो रही है। तो देखता हूँ यहीं नीचे होगा फिर, ये है कहाँ, ये देखो उसके चक्कर, इधर ये रहा, दिख भी नहीं रहा। एक बार मैं जरा फ्लैश जलाऊं, फ्लैश जलाई है मोबाइल की, देखो यहाँ छुपक के बैठा है, पता नहीं यहाँ बैठने में क्या दिक्कत आ गई इसको अब। बट आइटम ही है पूरा, एक तरह से ऊपर नहीं बैठ रहा, यहाँ छुपके आके बैठ गया, और पता भी नहीं था हमको कि यहाँ पे बैठा हुआ है। और ये इन्वर्टर पड़ा है, एक बार करंट वरंट लग जाए तो बस काम खत्म। सिम्बा देखो कैसे देख रहा है, खाना जब खाने से मारे मैं उसको कम देता हूँ पहले, क्योंकि ये वेस्ट कर देता है। तो इस बार आज जा दिया था, क्योंकि जब कम देता हूँ तो पूरा खत्म करता है, तो आज जा दिया था, तो अब इसने खाया नहीं और ये नीचे आके बैठा ठंड में, फर्श भी ठंडा है, तो इस मारे ये बीमार हो जाता है। और बाहर से जिस दिन घुमा के लाता हूँ तो उसका ये ड्रामे शुरू हो जाते हैं। और इसको ऊपर नहीं आना, पता नहीं ऊपर क्यों नहीं आना होता से, जबकि ऊपर तो
आराम से घूमता रहे फिरता रहे, तो एक बार इसको आवाज मार के देखता हूँ कि आते हैं। सिम्बा सिम्बा, तो ये ऐसे नहीं आएगा, अब मम्मी को लाना पड़ेगा। जब मम्मी आएंगी साथ में ऊपर तभी ऊपर आएगा, क्योंकि नीचे सारे भी इसको क्या करना समझ नहीं आता। तो अब एक बार पहले इसको ऊपर लाता हूँ, खाना भी खिलवाना पड़ेगा दोस्ती, अब क्योंकि पेट भी खाली होगा। तो इसका और एक तो जर्मन शेफर्ड का, जिसको नहीं पता उनका वेट सभी डॉगीज में होता होगा, तो सब ब्रीड में, कि इनका वेट बहुत जल्दी गिरता है, और जब वेट बढ़ाना होता है तो इनका बहुत मुश्किल से वेट बढ़ता है। लेकिन अगर एक दिन कभी खाने में कमी हो जाए तो बहुत जल्दी से वेट गिर जाता है। तो अब इसको लेके आऊँ पहले ऊपर, उसके बाद पानी वाने पिलाना पड़ेगा। पानी भी नहीं पिया सुबह से, एक बार भी जब से घुमा के लाया हूँ, तो करता हूँ पहले। तो मेरे पास ये रिंग है और ये सिम्बा आ गया बहुत मुश्किल से ऊपर। तो अब देखो ये रिंग के पीछे कैसे पागल हो रहा है। वन टू लीन इसने ये बार फिर से, इसको लग रहा है मैं नीचे जा रहा हूँ, इस मारे रिंग छोड़ के आ गया। तो ये रिंग मैंने उठा ली है फिर से, अब देखो मैं दिखाता हूँ कैसा पागल सो रहा है इस रिंग के पीछे। सिम्बा पहले बीच में आ जाऊँ क्योंकि इसके लगने का डर है। ये देखो वन, ये आया बक्की आ गया। ये आगे नहीं जा रहा क्योंकि इसको लग रहा है अगर आगे जाने दूंगा, अगर आगे जाएगा तो ये मैं पक जाऊंगा नीचे और फिर ये ऊपर ही रह जाएगा। देखो बस ये देखो, अब आगे जाऊंगा तो ये अंदर आएगा, मतलब छत पे आएगा, वरना देखो नहीं।